हेलो माय लवलीज, मैं हूँ रंगीली रुचि एंड वेलकम टू बॉलीवुड कैफे। यहाँ मिलेंगे आपको बॉलीवुड की सबसे फ्रेश और कड़क खबरें, जस्ट लाइक माय कड़क कप ऑफ कॉफी। ब्रेकअप के बाद कौन बना कटरीना कैफ का फोकस? ये बात तो हम सब जानते हैं कि ब्रेकअप के बाद कटरीना रणबीर को आजकल अवॉइड कर रही है, और ब्रेकअप से उबरने के लिए कटरीना अपने लुक्स, फिटनेस और स्टाइल पर कॉन्सेंट्रेट कर रही है। कटरीना सेट, I'm focusing on my fitness a lot. I agree I have been putting a little more effort and attention to my looks. I want to focus on my work and hopefully grow with every film. I want to show dimensions as an actress. सही जा रही है कटरीना आप। प्यार के अलावा बहुत कुछ भी करने को है आपके लिए। कौन है किंग खान का बेस्ट फ्रेंड? शाहरुख खान भले ही अपने कमिटमेंट्स के चलते कितने भी बिजी हो, लेकिन अपने दोस्तों के लिए समय निकाल ही लेते हैं। और शाहरुख का ये दोस्त कोई और नहीं बल्कि उनके बच्चे आर्यन, सुहाना और अबराम हैं। अपने बच्चों को शाहरुख उनका बेस्ट फ्रेंड बुलाते हैं। शाहरुख ने कहा, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ माई टाइम विद माई किड्स, आई एम सो फ्रेंडली विद देम, आई रियली लव किड्स, आई लाइक एंटरटेनिंग देम, आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10-12 आवर्स अ डे, बट आफ्टर दैट आई डोंट डू एनीथिंग, आई जस्ट स्टे विद माई किड्स। क्या बात है शाहरुख, आपने तो सारे फादर्स को अपना फैन बना दिया। फरवरी मंथ की शुरुआत में हो रहे हैं फटाफट बॉलीवुड ब्रेकअप्स। लगता है बॉलीवुड के लिए इस बार 2016 का फरवरी महीना लाया है ब्रेकअप्स की खबर। कुछ दिनों पहले लॉन्ग टर्म कपल रणबीर कटरीना के ब्रेकअप के बाद मानो झड़ी लग गई है बॉलीवुड में ब्रेकअप्स की। सुनने में ऐसा आया है कि अरबाज खान और मलाइका अरोरा खान भी एक दूसरे के बिना सेपरेटली रह रहे हैं, तो वहीं हुमा कुरैशी की वजह से सोहेल खान और वाइफ सीमा के बीच में भी आ गई हैं दूरियां। इतना ही नहीं, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे कर दिया है अनफॉलो। इन ब्रेकअप्स में फाइनली कौन सा मोड़ आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये था बॉलीवुड कैफे का आज का एडिशन। मैं हूँ रंगीली रुचि, और ऐसी ही मजेदार मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी।